नादरा की तरफ से शानदार किस्म की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। मैं आज की इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूं। सेकंडली आपको तमाम पोस्टों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा, तमाम वैकेंसी के रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल अच्छी जॉब्स में। दोस्तों मेरे चैनल पूरे पाकिस्तान की तमाम सरकारी और प्राइवेट जॉब की डेली अपडेट्स आती हैं, चैनल को विजिट कीजिए कि चैनल इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। दोस्तों ये जो जॉब्स हैं आप देख सकते हैं, नादरा की जॉब्स हैं, ये आपको जंग अखबार 7 अगस्त 2024 के मिल जाएंगी। आप अखबार में एड ऑफिशियल एड देख सकते हैं, नादरा टेक्नोलॉजी लिमिटेड NTL की ये जॉब्स हैं। तो दोस्तों जो पहली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर की दो पोस्ट हैं, ये फ्रंटेड डिवेल्पर है, मैक्सिमम एज 30 साल है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेज आपका होना चाहिए फ्रेंड्स, या फिर किसी भी आपको रिलेटेड फील्ड के अंदर आपने बैचलर्स किया हो, मास्टर डिग्री जो होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये सारा आप देख सकते हैं, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जावा का, JSF का, डेवलपमेंट का, स्किल्स एंड आपका कंपिटेंसीज जो है वो भी आपने पढ़ लेना है, एबिलिटी टू वर्क मल्टी टास्क वगैरह। नेक्स्ट जो वैकेंसी फ्रेंड वो है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये बैकएंड डेवलपर, दो वैकेंसीज हैं, मैक्सिमम एज में 30 ईयर्स है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस 4 ईयर्स और रिलेटेड फील्ड, मास्टर्स डिग्री जो है उसको प्रेफरेंस, जो मास्टर्स डिग्री जिनकी होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मिनिमम 2 ईयर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन जावा, स्प्रिंग बोर्ड और स्किल्स एंड कंपिटेंसीज भी आप देख सकते हैं, एबिलिटी टू मल्टी टास्क, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये तमाम आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन की अगर बात की जाए दोस्तों आप देख सकते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हायर्ड इनिशियली फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 ईयर एक्सटेंडेबल इफ रिक्वायर्ड, तो ये आपको बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद 5 साल की एज में जो है इन्होंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया है, जो शॉर्टेस्ट लोग होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे उनको TDA वगैरह नहीं दिया जाएगा, और जो गवर्नमेंट के अप्लाईज हैं वहीं से लेके अप्लाई करें। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 20 अगस्त 2024 है। तो अप्लाई करने के लिए आपने जाना है careers.nadra.gov.pk। तो दोस्तों अभी गूगल पर चलते हैं, मैं आपको वहाँ जाके तमाम डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड अभी गूगल पर आराम देखें, हम आ चुके हैं, इधर आके आप टाइप कर लेना नादरा जॉब्स 2024। तो नादरा करियर की जो पहली वेबसाइट आएगी careers.nadra.gov.pk, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो जॉब आप नादरा पे कुछ स्पेसिफाइड जॉब सर्च करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। इसका दोस्तों आपने यहाँ से डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेनी है, ताकि मैं कर लेता हूँ ताकि आपको तमाम अच्छे तरीके से डिटेल समझ आ सकें। तो असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या असिस्टेंट डायरेक्टर में इनमें से एक खोल लेता हूँ पहले, या आपको दिखा देता हूँ जी। बिफोर अप्लाई बिफोर 11 अगस्त से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। एज लिमिट 37 साल है इसकी। तो जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो चीज़ आपको मैंने बताई हैं वो सारी यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। OS लिनक्स वगैरह में आपका स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, वेब डिवेल्पिंग आपको आनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के आपको मैंने बता दी ऑलरेडी, BSB आप टर्म्स एंड कंडीशन भी नीचे आ चुकी है, जॉब एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइजमेंट आपको मैंने दिखाया है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं बैक चलता हूँ तो दूसरी जो वैकेंसी थी उसके बारे में भी एक दफ़ा हम यहाँ से देख लेते हैं, गेट द जॉब। ये देखिए अब जो सेकंड वैकेंसी हमारे सामने आएगी, अभी इस पर क्लिक करते हैं, ये बैकएंड डेवलपर पे असिस्टेंट डायरेक्टर की दूसरी वैकेंसी आ चुकी है। इसको स्क्रॉल डाउन का अगर मैं नीचे चलता हूँ, देखिए हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अंदर आप अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, स्किल्स एंड कंपिटेंसीज देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड देख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी आपके सामने आ रहा है, जॉब एडवर्टाइजमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं, मैं आपको अप्लाई करने का, ये देखिए जो भी आप ओपन करेंगे बिल्कुल राइट साइड पे ही आपको अप्लाई नाउ का बटन दिया जा रहा है, यहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने टाइप कर लेनी है फ्रेंड्स। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स चूज फाइल, तो यहाँ से आपने अपनी CV वगैरह जो है वो अपलोड कर लेनी है। उस प्रोफेशनल पर्सनल डिटेल्स और आपने फिल अप कर लेनी है, अपना फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजन नंबर का मतलब है CNIC नंबर, कार्ड इशू डेट जो है आपकी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल तहसील, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी यानी आपको कौन सी लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, नेम, बाकी सारा फॉर्म फिलअप करके नेक्स्ट टैक्स आते जाएंगे। तो यहाँ से आपका फॉर्म तकरीबन फिलअप होके नेक्स्ट प्रोसेस पर चला जाएगा, उसमें आपने जाके अपनी एजुकेशन, ये देखिए अभी एजुकेशन डिटेल्स लिख देनी है आपने, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लिख देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख देनी है।
तो इस तरह दोस्तों ये देखिए आपको मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिलअप कर लेनी है और आपका फॉर्म यहाँ से 100% फिल होने के बाद यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई हार्ड कापी वगैरह कोई CV वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने अपना नंबर भी दिया है दोस्तों 0518881256। इस नंबर पर भी आप जो है कॉन्टेक्ट करके फर्दर डिटेल्स दे सकते हैं, कोई अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप को यह बता देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई जॉब नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।